नमस्कार अर्गस ग्राउंड जीरो को स्वागत करमयी धरा पड़ी राज्य सरकार को स्मार्ट स्कूल सत गोटे पटे सरकार स्मार्ट क्लास कथा कहता बेले एपटे के स्कूल कांथ फाटी तो छातर गलुची सीमेंट पिला बस स्थान नथिबा स्कूल केमिति स्मार्ट हेबो ताकु नै प्रश्न करिसेंति अभिभावक कारण जो चित्र ग्राउंड रासि पहुँचुची से चित्र देखला परे अंततः आपण को मध्य अनुमय हेबो जे सरकार को योजना सबु अटहास्य बोली कारण अनेक जगार सरकार एक कथा को स्वीकार करुछेंति आमे कहनु विधानसभा खोद शिक्षा मंत्री एक कथा को स्वीकार करिसेंति जे राज्य रे 12510 श्रेणी गृह वर्तमान विपद संकुल अवस्था रे रहिछि ये होउछि मंत्रींकर विधानसभा उत्तर एवं 10740 स्कूल रे श्रेणी गृहर आवश्यकता रही 14704 गृहर मरामती हेबार दरकार रही 90 प्राथमिक स्कूल रे आद्य श्रेणी गृह ना 115 स्कूल रो निजस्व बिल्डिंग ना केवल स्कूल बिल्डिंग नुहे 1048 हाई स्कूल रे कंप्यूटर ना 28 स्कूल रे कंप्यूटर अच्छी हेले विद्युत संयोग होइनी शिक्षकों संकट कथा न कहिबा भल वर्तमान शिक्षक जदि देखिबे आपण पाखापाखी जो चित्र आसी पहुँचला आसिका नुआगा चीनीशिल्प उच्च विद्यालय जे अष्टम रु दशम जाए 120 छात्र छात्री को पाठ पढ़ाऊ मात्र जड़े शिक्षयित्री तबे एवं सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय 2740 ट्रेंड ग्रेजुएट शिक्षक पदवी एवं सुधा पूरण होना से हिसाब से जदि देखिए विद्यालय 4445 पीटी हिंदी संस्कृत शिक्षक पदवी पूरण पाई चेष्टा जारी रही किंतु वर्तमान सुधा से पदवी गुड़क पूरण हो पारिना तबे एभली क्षेत्र में प्रश्न उठुची जे भित्तिभूमि सरकार न सजाड़ी की केमती स्मार्ट स्कूल स्मार्ट शिक्षादान चिंता करुछंति तबे बाबद आलोचना करबा ग्राउंड रो प्रतिनिधि आम सहित पीतांबर नाहक वर्तमान जोड़ी होती ब्रह्मपुर रु पीतांबर ब्रह्मपुर रे विद्यालय गुड़िकर स्थिति केमती देखती चिन्मय निश्चित भाव कहीपर वर्तमान राज्य में विशेष करके गंजाम जिले में प्रथम करके सरकार स्मार्ट 5T अधीन स्मार्ट स्कूल व्यवस्थीकरण एवं आज तृतीय पर्याय अर्थात जो भी भाव में दिनक दिने जमती कि 10 लेखाएं स्कूल उद्घाटन हो 50 स्कूल संपूर्ण भाव उद्घाटन वर्तमान समय 20 स्कूल उद्घाटन हो विशेष करके उद्घाटन जाक जमकी देखिले लोक मैंने चकित होती जो भी भाव में एमती गोटे दुईटी ब्लॉक केवल हिंजिली ब्लॉक एवं शेरगढ़ ब्लॉक रे यही भाव में 50 स्मार्ट स्कूल करवा किंतु अन्य पूरा जिला को संपूर्ण भाव अवहेला करवा ए गोटे जिलावासी मन में गोटे बड़ प्रश्न सृष्टि होना आप जानती केवल 50 स्मार्ट स्कूल हिंजिली निर्वाचन मंडली अर्थात जो भाई भाव में शेरगढ़ ब्लॉक एवं हिंजिलीकाटू ब्लॉक विभिन्न पंचायत रही सेठाकू घन घन शासक दल विधायक मंत्री मान आसुछंती स्मार्ट स्कूल परिदर्शन करने दिनक पर दिने अर्थात गोटे दिन व्यवधान में जो भाई भाव में स्कूल को उद्घाटन करु अन्य ब्लॉक अर्थात पड़ोसी ब्लॉक कथा कहवा जमी सानखेमुंडी धराकोट आशिका अन्यपटे कुकुड़ाखंडी ब्लॉक कथा कहवा दिगपहंडी कथा कहवा यह सब ब्लॉक शिक्षा व्यवस्था केते जे विपर्यस्त ता आकलन करवा गोटे मुस्किल हो पड़ी कहीं आप किसी समय पूर्व जमी कहते जे आशिकार जो भाव में चीनी शिल्पर जो स्कूल रही स्कूल मात्र जणिया टीचर अच्छा जो जड़े जो अन्य जड़े टीचर पाठ पढ़ाऊँचर मध्य अवसर नहीं जाइंट से निजे निज इच्छा आसिक पिला पाठ पढ़ाऊँच सबुठ बड़ कथा गोटे टीचर थी बेले गोटे क्लास जिते टीचर पढ़ाती अगर क्लास पिला आसिक बाहर खेलती तो एमती स्वास्थ्य जेतेबेले शिक्षा को गुरुत्व दि जाऊँगी किंतु शिक्षा सेवा संपूर्ण भाव विपर्यस्त हो पड़ी दुईटी ब्लॉक को केवल जे राज्य सरकार योजना करवर्त समय अन्य ब्लॉक यही भाव में असंतोष बनी लगि रही ताकु नहीं कि वर्तमान गोटे बड़ प्रश्नवाची सृष्टि केवल गंजाम जिला तो खास करी गंजाम जिले पाखापाखी केते एमती सरकारी विद्यालय रही सरकार वर्तमान 50 टी को पायलट प्रोजेक्ट भाव नौ माने 50 विद्यालय को नहीं बाकी विद्यालय कथा केवे चिंता करेंगे सरकार आ विद्यालय पढ़ुवा पिलांकर शिक्षागत स्थिति केमती रहिबो देखो चिन्मयी गंजाम जी विद्यालय रही वर्तमान हाई स्कूल गुड़िक केवल स्मार्ट स्कूल योजना अंतर्भुक्त करुछंति सरकार अन्य पटे बाकी स्कूल गुड़िक जो भाव में एम ए स्कूल पीपी स्कूल एगुड़ी वर्तमान स्मार्ट स्कूल रूपांतरित करा जाए नहीं
वर्तमान ओडिशा रे जेंते कि 1000 परे परे जे बुली भाबरे स्मार्ट स्कूल लो योजना रहिछि से भितरे गंजाम जिल्ला रे 68 स्मार्ट स्कूल लो योजना करा जाउछि किंतु 68 टी विद्यालय को स्मार्ट स्कूल लो योजना करूथिबा बेले से भितरे केवल 50 टी विद्यालय संपूर्ण भाबे सेरगडा एवं हिंजली रे रहिला अर्थात गंजाम रे जदियो 22 टी ब्लॉक रहिछि 2 टी ब्लॉक रे 50 टी संपूर्ण भाबे स्मार्ट स्कूल रहि गला आउ बळका रहिला मात्र 18 टी स्कूल आउ संपूर्ण भाबे आउ 20 टी ब्लॉक को जीव ता माने गोटिए ब्लॉक को गोटिए मध्य स्मार्ट स्कूल पडु नाही तो जिला प्रशासन हुंतु राज्य सरकार हुंतु राज्य शिक्षा विभाग हुंतु एमती काही की अनुकंपा देखाइले जे सेरगड़ ब्लॉक केवल हिंजली रे स्मार्ट स्कूल 50 टी हेबो एवं अन्य ब्लॉक को हत्यादर करा जीव ए गोटिए बड़ बड़ प्रश्न द्वितीय प्रश्न होउची जे जते बेले लोकंकर मत रहउची जे जते बेले जो जो स्कूल गोटिए जळीची आदर्श विद्यालय आदर्श विद्यालय रे आनुषंगिक किछिटा व्यवस्था रहिछि किंतु सेइटा को पुणी आउथरे स्मार्ट स्कूल ल रूपांतरित करा जाउछि किंतु जो स्कूल ल भित्तिभूमि संपूर्ण भाबे विपर्यस्त कंप्यूटर टीचर बोले गोटिए जणे भी नाहंती टीचर र संपूर्ण भाबे अभाव ए सब व्यवस्था को देखिले निश्चित भाबे गोटे बारे ही पडुछि जे शिक्षा व्यवस्था रे करुण परिणति गोटिए पटे देखिथिबा बेले अन्य पटे एभली भाबरे सामना को जो चित्र आसुछि स्मार्ट स्कूल ताहा संपूर्ण भाबे गोटे सेई योजना संपूर्ण भाबे छात्र छात्री मानक पई भेळी कि नुए कि आज मध्ये गणशिक्षा मंत्री आछंती से मध्ये हिंजली को गस्त करिछंती जे जेंबळी भाबरे उद्घाटन करा जिबा आज 10टी स्कूल किंतु हिंजली रो जो 10टी स्कूल उद्घाटन करा जिबा केवल मंत्री सेठा को जिबे ना जो स्कूल गुड़ी कर संपूर्ण भाबे भित्तिभूमि नाही से स्कूल को मध्ये परिदर्शन करिबे जदी जिबे निश्चित भाबे जणा पड़िबो जे गंजाम जिल्ला रो शिक्षा व्यवस्था वर्तमान कोन रहिछि चिन्मय निश्चित भाव में पीताम्बर किंतु प्रश्न उठुची जे गोटे स्थायी सरकार ये गोटे थरर सरकार नुहे पंच पंच थर जत निर्वाचित होती 22 वर्ष सरकार आसी पहुँचल किंतु आज पर्यंत जहाँ राज्यवासी मौलिक सुविधा जहाँ मौलिक अधिकार जे शिक्षा ये शिक्षा को वर्तमान सुधा सरकार सजाड़ी पारना जो चित्र आसे स्कूल रु विद्यालय गुड़िकु देखूँ कौटी खात फाटी कौटी टीचर नहांती कौटी पिलाने बसवापी जगह ना श्रेणीगृह ना निजस्व बिल्डिंग ना एवं अनेक चित्र एमती आसे जहाँ देखिले निजक व्यथित मन हुए जे खासको सरकार करूँ तो कौन करूँ गोटे कथा मन हो विभाग अधिकारी रही थे सरकारी जो कर्मचारी माने रही आंतरिकता ना कारण जदि ए दिग को देखिक जो माने रही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कथा कहतु जिला शिक्षा अधिकारी एम तो अंत विद्यालय को जाऊे परिदर्शन करुवे विभाग मंत्री बाबद जानुवे कितु कहीं ये सब तर्जमा करा जाए ना एगुड़ा सुधरा जाए ना परवर्त समय सरकार से जो कथा आपड़ कहले आदर्श विद्यालय कथा कहतु और बर्तमान स्मार्ट स्कूल कथा कहते एमती मझे मझे नुआ नुआ गोटे योजना आरंभ करेंगे आउ मंदिर गढ़ला भाई या सब गढ़ापाई जो मनस्थ करेंगे पचर कि देखला बेलू ये माकड़ गढ़ला भाई हो जाए चिन्मय निश्चित भाव आप जो कथा कहले देखु जदि उदाहरण आम ना आप बीओडीओ कथा कहले जो बीओडीओ कथा आसे से 5G अधीन स्कूल परिसर को संपूर्ण भाव स्मार्ट करागला सरकार पक्ष रहा जमीक स्कूल कांथर लिखागला जे 5G केमती सदुपयोग 5G अधीन केमती स्कूल परिसर को अणाई स्कूल सौंदर्यकरण कर एमती कि 5G सचिव निकटे गंजाम को गस्त बारंबार हो किंतु से परिप्रेक्षी में जदि आम देखा से ही तुलन में बीओडीओ जमीक आपड़ कहते जे ब्लॉक रो ग्राउंड जीरो रो स्थिति कौन अच्छी जिलार ग्राउंड जीरो रो स्थिति कौन अच्छी तो अंततः जिला प्रशासन पाखरे बा ब्लॉक जिला शिक्षा विभाग पाखरे निश्चित भाव एति संपूर्ण भाव खबर रही थी खबर रही थी सत किंतु जो भाव में सरकार व्यवस्था तले निश्चित भाव जो जिलार अधिकारी माने रही से संपूर्ण भाव जो भाव में जी भी मानवाक नाराज होती किंतु ता मानवा सत या जे दृश्य देखला क्योंठी स्कूल कांथ भांगी जाऊँ के स्कूल उपर गाड़ी जाऊँ के पाने शिक्षक अभाव स्कूल समय रे बाहर खेलुचंती अन्य स्कूल गुड़ी करे केमती ताला पड़ुछि मन हुए जे सरकार कोटि ना कोटि निजे बाबा नेबा पई एवं राजनीति चक्कर रे ये कोनी कोनी पिलांक भविष्य को अंधार को ठेली दउछंती पीताम्बर परवर्ती समय रे आलोचना करबा एवं आपन पाखो फेरबी किंतु वर्तमान समय छि गोटे छोटो ब्रेक रो
ब्रेक परे स्वागत आपण देखुचंती अर्गस ग्राउंड जीरो एवं आमे आलोचना करूचे राज्य सरकार को स्मार्ट स्कूल प्रहळिका को नै एवं वर्तमान बालेश्वर आम प्रतिनिधि प्रकाश आम सहित जोड़ी होती। प्रकाश, बालेश्वर रे आपण सरकारी विद्यालय गुड़िकर चित्र केमती देखती आ सरकार वर्तमान जो स्मार्ट स्कूल कथा कहते खास करी सरकार ये कुनी कुनी पिलांक भविष्य को नहीं चिंता करुछंती ना ठिकादार कर्मचारी नेता मंत्री एमान को पॉकेट को देखुछंती। देखंतु चिन्मयी, जो शिक्षार भित्तिभूमि और शिक्षार उन्नति बा संस्कार आने कथा सरकार जो भाया कहते किंतु ता ग्राउंड जीरो वास्तव चित्र तार संपूर्ण अलग। आम बर्तमान जो जगार अच्छी ये हूँ से भीमपुरा जो हाईस्कल अच्छी से हाईस्कल परिसर अच्छे आम गत काली देखु जठिकार जो छात्र छात्री मैंने अच्छा शिक्षक मैंने कहते जे कि जहाँ जो गोटे स्कूल पढ़ापाई छात्र छात्री मैंने पढ़ापी जो परिवेश दरकार से परिवेश एक ना और ता सहित जो उपकरण गुड़िक दरकार आजिकल कंप्यूटर बाध्यतामूलक होता बेल अनेक स्कूल कंप्यूटर उपकरण किसी ना कंप्यूटर कौन पिला आज पर्यटन किसी स्कूल पे देखी ना। दुई रोच जो विज्ञानगार जो कथ कह सैंस रैब जो कथ कह सेगुड़ारणसी प्रकार लैब्र व्यवस्था ना। ता सहित गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ जे जो लाइब्रेरी अर्थात लाइब्रेरी मानक जो पिला बही मिलवा कथा बही मिले से बही पाने ना जोटा कि शिक्षादान बहुत समय वंचित होतीस जो आम छात्र छात्री मानी जो टॉयलेटर व्यवस्था कथा कह शौचालय व्यवस्था कथा कहता अनेक स्कूल से देखापी मिलूना और जदि कौन जगार स्कूल कमिटी पायखाना तैयारी करते मान छात्र छात्री कि शिक्षक मैंने बाहर को जाथार से गुरुतर अभियोग करते सहित आम देखा जाए कौन जगार जदि जड़े शिक्षक ट्रांसफर हो गला बदली है आउ से जगार से शिक्षक पद पूरण है विभिन्न समस्या बालेश्वर जिलार बहुत स्कूल रही आम सहित जो सार जोड़ी सार प्रथम तो अर्गस न्यूज को आपको स्वागत करी कौन ये भीमपुर हाईस्कल आपने पिला पाठ पढ़ाऊँ कौन सब असुविधा रही आप स्कूल मुतन कुमार प्रधान भीमपुर हाईस्कल विज्ञान शिक्षक प्रथम कह पाठ पढ़ापी गोटे परेश दरकार परिवेश नथिले कौनसी पाठ को पाठ कौन पिला मनीष तैयारी करिया पई आमे व्यवस्था करिछु व्यवस्था भितरे सठिक परिवेश जदि न रहिबो जहाँ भी आम दबाकु चाहिबु से तो ग्रहण कर पारिबोने। अच्छा आमर एठी प्रत्येक वर्ष प्रत्येक क्लास रे पाखापाखी पचास पिला आसुछन्ति पचास पिला पई निहाती बेंच डेस्क खंडे ठीक ठाक ठीक भाव रहिया दरकार पिला ठीक भाव बसि पारिबेनि प्रथम तो सेमाने जदि भिड़ा भिड़ बसिले बेंच डेस्क हलुची ठीक से रोना नहीं केमती से पाठ जो पाठटा ओडिया हो विज्ञान हो अंक जेकोसी पाठ पढ़ा जाऊ तमें प्रथम परेश सरंजाम टे ठीक से भाव रही आम सार मैंने किसी पकेट्रु खर्च करे तो मैप टे नहीं आसार्ट टे नहीं आसे पाठटा को सठिक भाव पढ़ाते हेले आहरी बहुत गुड़े उपकरण दरकार जमीक आप कहते लाइब्रेरी टे लाइब्रेरी विभिन्न प्रकार बही थाए पाठ पढ़ा बही छड़ा आउन टेक्सचुआल जिनस सब रही डायग्रामेटिक जिनस रही मॉडल्स रही जोटा कि बहुत दाम पड़े सेटा तो समस्त अवेल करें जोटा कि केवल सरकार पांठी धरी संभव हो पाए ताम ये हो पार ना सरकार जो शिक्षार संस्कार भित्तिभूमि ठीक डिजिटल ये कथा कहते श्रेणीगृह तो ये सब ए स्कूल कौन देखे निश्चय सार जो कहते आम सरकार जो कहते से ठीक जे डिजिटलाइजेशन हो स्मार्ट क्लासरूम होता कतटा जगार हो देखु पार ब्लॉक रे हुए तो गुटे स्कूल को से बाछे से जगह हो पार्टी गाँव में थी स्कूल मानक कौन हो तो पिला पाठ पढ़ियो ना केवल सहर पिलाटी पाठ पढ़ियो ना ब्लॉक रे केवल गोटे स्कूल से जगह ही पाठ पढ़ियो आम पिलाटी कौन मूर्ख हम तो पाठ पढ़ाक जो परिवेश आप दरकार कथा कहली सरकार जो कथा कहते तार वास्तव चित्र से ठीक नुहे ना कौन वास्तव चित्र आप किसी मात्र ठीक तमें टू द पॉइंट जब आम जा कहते कि जे आम डिजिटलाइजेशन सब करदेलु डिजिटलाइजेशन मीन फास्ट हूँ कंप्यूटर बर्तमान कंप्यूटर जुग आप जोसी जिन आरंभ करते कंप्यूटर आरंभ कि आम पिला कंप्यूटर कहीपरि कहीं से कंप्यूटर चित्र ये देखी ना जब देखी थे टीवी बहर फटो देखी थे निहाती ये सबूत प्रथम दरकार हूँ फाइनान्स तो जदि गवर्नमेंट तार पातर अंतर नक आम स्कूलटा हूँ ब्लॉक ग्रांट स्कूल माने किसी मात्र आमको कौन मिलूँ किसी अनुदान अनुदान कौ मात्र ना केवल सार मान किसी दरमा मिलूँ स्कूल पांच पैसा ये आपको मिलूना जोद्वारा आम जो लाइब्रेरी साइंस आम गोटे लैबोरेटरी चाहूँ कि आपंकर कंप्यूटर टे चाहूँ जो गुड़ा द्वारा आम छुआ को कंप्यूटर उपर किसी नलेज दे पार जो थीओरीटिकाल पाठ पढ़ू कंप्यूटर नलेज विज्ञान कौन नलेज से बाबद अभिवृद्धि शिक्षा
ତ ଏସବୁ ତ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ନା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲିବା ଭଳିଆ କଥା ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଯେତିକି ଥିଓରିଟିକାଲ ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ସେତିକି ନଲେଜ୍ ଦେଉଛୁ ଆମେ, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉପରେ ତାକୁ ଆମେ ଦେବୁନି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟା ହେଇଥିଲେ ପିଲା ତା'ର ଯେମିତି ଆପଣ କହନ୍ତିନି କି ଗୋଟେ ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା ଆଉ ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ତା'ର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ସେ କଥାଟି ହେଇପାରୁନା। ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଥିବ ଯଦି ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷା ଠିକ୍ସେ ମିଳୁନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ସ୍କୁଲକୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲା ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକରେ ପିଲା ଭୁତୁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, ତା'ର ଏସବୁ କାରଣ ହେଇପାରେ କି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇସବୁ କଥା ପାଇଁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭୀମପୁରା ଭୀମପୁରା ଚାରିପାଖେ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏଇଠି ସାମ୍ନାରେ ଆମର ସେଣ୍ଟ ଥମାସ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ତା'ର ପାଞ୍ଚତଲା ବିଲ୍ଡିଂ, ଏଇଠି ପାଖରେ ମହାବୀର ଅଛି, ଏଇଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଭୀମପୁରା ହାଇସ୍କୁଲ ତା ଚାରିପାଖେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ପିଲା କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ? ଏଠି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ପରିସ୍ରାଗାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଟିଣ ଫାଟିଗଲାନି, ସେଇଟା ସ୍କୁଲ କମିଟି କରିଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇନାହିଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉଭୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବି ପାଇଖାନା ପରିସ୍ରାଗାର ନୁହେଁ, ପାଇଖାନାରେ ପାଇଖାନା, ଯଦି କିଏ ପାଇଖାନା ଯାଇଥିବ ସେ ପରିସ୍ରା ବି ଯାଇପାରିବନି ଆର ପିଲାଟା। ଆଉ ସାର୍ମାନେ କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପାଚେରୀ କୋଠରେ କେଉଁଠି ବଣରେ, ଏମିତି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା ଚଲେଇଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇଭଳି ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଲାଇଭ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଇଖାନାର ଅବସ୍ଥା ଭଳିଆ, ବେଞ୍ଚ ଡେସ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଳିଆ, କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ବି ଆପଣ କଥା କହିଲେ ଆମର ପିଣ୍ଡାର ହେଇଯାଉଛି, ପିଣ୍ଡାର କରାହେଉଛି। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କମନ୍ ରୁମ୍ଟେ ନୁହେଁ, ସାର୍ମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବସୁଛନ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କେମିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଥାନ୍ତି? ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ସେଇ ଯାହା କଥା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି, କେବଳ ବ୍ଲକ୍ରେ ସେ ବାଛୁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଯାହା ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସାର୍ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ଭଲ ସ୍କୁଲ ବଛା ହେଇଗଲା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଭଳିଆ ସ୍କୁଲ, ସେ ସ୍କୁଲରେ ତାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଦିଆଗଲା। ସେଠି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଏମ୍ ପି ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ବି ଅନୁଦାନ ଦେଲେ, ଆପଣ କଲେକ୍ଟର ବି ଦେଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳିଆ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ନାହିଁକି ସେଇ ନାହିଁରେ ଆମେ ଚଳିଛୁ। ପିଲାଟା କେମିତି ତାଙ୍କର କେମିତି ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଇଏ ହେବ, ଏସବୁ କେମିତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବା ଦରକାର? ଏସବୁ ପାଇଁ ନିହାତି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁଦାନ, ସରକାର ଅନୁଦାନ। ସାର୍ମାନେ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଥିଓରିଟିକାଲ ନଲେଜ୍ ଦେବା କଥା, ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ମୁଁ ବି ସେମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମୋର ସାଇନ୍ସ କଥାରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଚାର୍ଟ ମ୍ୟାପ୍ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହି ଟିକେ ଆଣିକି ସାଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଡାଇଗ୍ରାମ, ଏଇଭଳିଆ ତୁମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ଟା, ଏଇଭଳିଆ ତୁମର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମରେ, ଏଇଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଯାଉଛି, ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ସେମିତି ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ଆମେ କେତେ ବାଟ ପାରିବା? ଆମର ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମା ଆମକୁ ମାତ୍ର ଆଜି ଆମେ ପାଉଛେ 60%, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁଦାନ ବି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସମାନ ନୁହେଁ। ସିକ୍ସଥ ପେ କମିଶନରେ ଆମେ ଆଜି ଦରମା ପାଉଛେ, ଯେଉଁଠିକି 2018 ପାଖରୁ ସେଭେନ୍ଥ ପେ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲାଣି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ, ସିକ୍ସଥ ପେ କମିଶନରେ ଏଣ୍ଡ 60% ଦେଟ୍ ଟୁ ଡିଏଲ୍ ମିଳିଲା ଆମର 2018 ପାଖରୁ। ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ତା ସବୁ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ସବୁ ବିଷୟରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର 2015 ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଲା, ତା ଆଗରୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ କିଛି ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମରି କ୍ୟାଟେଗୋରି ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 2025 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ନିଲ୍ ହେଇଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି 2004 ଅନୁଦାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଏସବୁ ସ୍କୁଲ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେବାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ କହୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା କଥା କହୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି ତା କଥା କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯେ କହୁଥିଲେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ପିଲାମାନେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ମାନେ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ପରିବେଶ ରହିବା ଦରକାର, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ସରକାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଯେ କି ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଉଦାହରଣ ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ କି ସେସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଡିଜିଟାଇଜେସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏବଂ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର ସଂସ୍କାର ଆଣିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଫଳରେ ବହୁ ପିଲା ଯେଉଁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କଥା ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ନିଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଅଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଏ ନୀତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ, ଯେ ଖାସ କରି ଯେଉଁ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଭଳି ଯେଉଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଭଲ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ ସ୍କୁଲରେ କେବଳ ତାକୁ ଆଦର୍ଶ କରାଯାଉଛି, ସ୍ମାର୍ଟ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାକି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ନ କହିବା ଭଲ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲୁ, ଖାସ କରି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଶୌଚାଳୟର ଚିତ୍ର ରହିଥିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି, ଏହା ସହିତ ଏବଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନାହିଁ, ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ସରକାର କିନ୍ତୁ ସେଠି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା। ତାହେଲେ ସରକାର କାହାକୁ ନେଇ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବେ, କାହାକୁ ନେଇ ସ୍ମାର୍ଟ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରକାଶ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ପୀତାମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।
ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସି ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଏତେ ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅସଜଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସରକାର କାହାକୁ ନେଇ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରିବେ? ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ, ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କାହିଁକି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି? କେବଳ କେତୋଟି ମାତ୍ର ସ୍କୁଲକୁ ଗଣତି ହିସାବରେ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାକି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସମୟ ସୂଚୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।